हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज गाइज हम आपके लिए रीडिंग लेकर आए हैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। जैसे हम हमेशा देखते हैं वैसे ही चेक करने वाले हैं। पहले हम आप मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस देखेंगे, उसके बाद में हम थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है वो देखेंगे, और आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या एक्शन लेंगे वो देखेंगे। तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। और जो भी नए व्यूअर्स मेरी इस रीडिंग तक आए हैं, अगर उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी उनसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लिखा हुआ है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। क्योंकि आपके एक एक सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और जो ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको थैंक यू सो मच। चलिए गाइस शुरू करते हैं आपकी रीडिंग, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वरना कोई ना कोई मैसेज आपसे मिस हो सकता है। देखिए आप जो भी काम करना चाहते हैं एक बार उस पर पुनर्विचार कर लीजिए, ठीक है। यानी कि जैसे आप कोई जॉब पाना चाहते हैं और आपका मन नहीं है उधर जाने का, फिर भी आप किसी मजबूरी बस वहाँ पर जाना चाहते हैं, तो आप एक बार पुनर्विचार कर लीजिए, ठीक है। या आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आप सोच रहे पता नहीं उसमें कुछ प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, तो एक बार उस पर फोकस डालिए कि जो है मैं जो करने जा रहा हूँ क्या उसमें वाकई में ही फ़ायदा है भी कि नहीं है, या मैं वैसे ही टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। या आप अपने रिलेशनशिप में आप रिकनसाइल करने की सोच रहे हैं, तो एक बार आप पुनर्विचार करिए उसके ऊपर कि ये पर्सन क्या मेरे साथ में पूरी ज़िंदगी बिता सकता है, क्या ये मेरे साथ में जो है कदम ताल मिलाकर चल सकता है। तो एक बार जो भी आप काम करना चाहते हैं उसके बारे में पुनर्विचार ज़रूर करिए, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़, अगर आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ करिए, कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़िए, ठीक है। यहाँ पर अगर आप गॉड के ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो सब कुछ ठीक होगा। अगर आपके हेल्थ इश्यू हैं तो वो रिकवर ज़रूर हो जाएंगे। अगर आपके जो है रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ रही हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगी। यहाँ पर ऐसा एंजल्स कह रहे हैं आपकी लाइफ में रोमांस जरूर आएगा, ठीक है। हम दूसरे डेक से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। देखिए, कर्मों की शुद्धि, यानी कि आपको अपने कर्मों की शुद्धि करनी है। गुरु हैं, देवदूत हैं, स्वर्गदूत हैं और हमारे जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो सब जो भी हमें सबक सिखाना चाहते हैं वो सब हमारे कर्मों की शुद्धि के लिए ही करते हैं। यानी कि जो भी हमें बात बताते हैं, जो भी हमें कर्म करने के लिए बोलते हैं, ठीक है, तो ये सब क्या है कि हमारे कर्माजी हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं वो सब कुछ आपको फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी कर्मों की शुद्धि हो रही है। जो भी चीज़ आती है आपकी लाइफ में जो आप नहीं चाहते और फिर भी वो आपको करना पड़ता है, तो वो आपके कर्म ही है, ठीक है। मालिक की मर्जी, आपके साथ जो भी हो रहा है वो सब मालिक की मर्जी से हो रहा है, आप उसमें से हंसते हुए गुजर जाइए। ये काफ़ी बार आ चुका है मैसेज, इसलिए जो है आप इसको ध्यान दीजिए, ठीक है। और आपके पेरेंट्स से आपने वचन दिए हैं या अपने पार्टनर से दिए हैं, जिससे भी आपने वचन दिए हैं उन वचनों को निभाइए, ठीक है। ये टाइम है वचन निभाने का। अभी जो आपने वचन दिए थे उन वचनों पर आप खरा उतरने की कोशिश कीजिए, ठीक है, ये एंजल्स कह रहे हैं। देखिए, यहाँ पर बार बार आ रहा है कि आप शायद बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसलिए आप जो है वाइजली मैनिफेस्ट करिए। आप हो सकता है कि आप अपने एक्स पार्टनर को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं और न्यू लव को भी चाहते हैं, या हो सकता है कि आप जॉब भी चाहते हैं और बिजनेस भी करना चाहते हैं, या और कुछ चाहते हैं, जैसे मुझे तो डॉक्टर भी बनना है, इंजीनियर बनना है, अब दोनों एक साथ थोड़े मिलेंगे। तो आप वाइजली जो है मैनिफेस्ट करिए, जो भी आप चाहते हैं उसको वाइजली मैनिफेस्ट करिए, वो जरूर पूरी होंगी। मैनिफेस्टेशन, देखिए फिर से आया मैनिफेस्टेशन, यानी कि आपको जो चाहिए ना उसको आप पूरी ईमानदारी के साथ में गॉड के ऊपर ट्रस्ट रख करके, एंजल्स के ऊपर ट्रस्ट रख करके मैनिफेस्ट कीजिए। जिंदगी में आप जो भी चाहते हैं, आपको इतनी पावर दी गई है, गॉड ने दी है कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। टेम्पटेशन, देखिए यहाँ पर ये कल भी कार्ड आया था, हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई आपको जो है लालच देने की कोशिश कर रहा हो, या फिर आपके अनहेल्दी हैबिट्स हैं उसकी वजह से आप उधर बढ़ रहे हों, या कोई आप जो है ऐसी डाइट ले रहे हैं जो आपके लिए ठीक नहीं है, आपको लालच है कि ये मुझे जो है इससे बहुत सुकून मिलता है, इस तरह का। अगर आपको अनहेल्दी हैबिट्स हैं तो आप उनसे दूर जाइए, ठीक है, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है। और वैसे आप इनसे ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ेंगे तभी ये सब कुछ हो सकता है, वैसे ये नहीं हो सकता है, ठीक है। म्यूजिक, आपको म्यूजिक सुनने का शौक है, नहीं भी है तो आप म्यूजिक सुनिए, जिससे आपकी हीलिंग होगी, और जितना आप म्यूजिक सुनेंगे इतना ही आपकी हीलिंग प्रोसेस होगी, और
आपको अच्छा भी फील होगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम देखते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। चलिए देख लेते हैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करिए कि मैं अपने व्यूवर्स को सही तरीके से गाइडेंस कर सकूं। मुझे गाइड करिए कि उनकी सिचुएशन क्या है, अभी करंट सिचुएशन क्या है, उनका करंट सिनेरियो क्या है। और गाइज ये टाइमलेस रीडिंग होती है, जब भी आपको मिले तभी आप इसको देख सकते हैं, कोई टाइम बाउंडेशन इसके लिए नहीं है। ठीक है, देखिए बॉटम ऑफ द डेक है एम्परर, उसके जस्ट नीचे है नाइट ऑफ वेंड्स। ठीक है, मैं अगर थर्ड पार्टी के साइन बताना चाहूँ तो थर्ड पार्टी के साइन कोई भी हो सकते हैं, 12 राशि में से कोई भी थर्ड पार्टी के साइन हो सकते हैं। एरीज लियो सजिटेरियस, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, 12 की 12 राशि हैं। आपके पार्टनर की या थर्ड पार्टी की कोई भी राशि हो सकती है। ठीक है, और वैसे मैं आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करूंगी तब मैं बता दूंगी। यहाँ पर गाइज मुझे दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी, यहाँ पर मुझे अदर पर्सन दिखाई दे रहे हैं। देखिए मुझे यहाँ पर अदर पर्सन की बहुत स्ट्रांग वाइब्स आ रही हैं। हो सकता है कि ये अदर पर्सन जो आपके पर्सन से मिल रहे हैं, मेलजोल बढ़ा रहे हैं, तो ये पर्सन हो सकता है कि इसका ब्रेकअप हो गया हो, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। हो सकता है कि इसका डिवोर्स हो गया हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं। किसी केस में मुझे हो सकता है कि डिवोर्सी भी हो, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये पर्सन जो है प्यार का मारा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन फाइनेंस को लेकर के भी काफ़ी जो है अपने आप में स्ट्रगल कर रहा है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा जो है लाइक करता है या करती है। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को ये स्टार से कम नहीं देखती हैं, एक स्टार की तरह वो आपके पर्सन को देखते हैं, क्योंकि आपके पर्सन फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि काफ़ी चार्मिंग पर्सनालिटी है आपके पर्सन, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि वो भी मन ही मन उनको चाहते हैं, लेकिन वो अपने जो है प्यार को दिखाते नहीं है, उनका इजहार नहीं करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि। लेकिन ये थर्ड पार्टी जो है बहुत ही तेज लेडी मुझे दिखाई दे रही, लेडी भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकती है आपके केस में। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पास्ट में इसको बहुत दुख मिले हैं, इसने अपने हार्ट चक्र को क्लोज कर लिया था, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही आपके पर्सन से मिलती है तो दोनों को एक दूसरे पर जो है प्यार आता है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं और दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर ये लेडी जो है, जो अदर पर्सन है, वो आपके पर्सन को अपने प्यार का इजहार करती है और आपके पर्सन जो है इजहार नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो काफ़ी अट्रैक्शन फील कर रहे हैं उनकी तरफ, लेकिन मन ही मन वो भी उनको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को वो स्टार से कम नहीं देखती है और आपके पर्सन भी उनको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को भी ये पर्सन जो है, थर्ड पर्सन जो आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है मेरी व्यूवर्स की लाइफ में, ये पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये, इसकी चार्मिंग पर्सनालिटी है इसकी भी, ये काफ़ी ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, स्मार्ट है, जैसा भी है, मेल फीमेल देख लीजिए, लेकिन ये आपके पर्सन के दिल और दिमाग पर छा रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि रात और दिन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं, थिंकिंग चल रही है। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबल हैं, हो सकता है कोई जॉब करते या बिजनेस करते हों। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि, और जिनके नहीं भी हैं तो जैसे रेजोनेट हो वैसे ले लीजिए, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि उनकी चार्मिंग पर्सनैलिटी पर वो मरती हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही, क्योंकि मैंने बताया कि वो स्टार से कम नहीं देखती है। तो जैसा भी आपको रेजोनेट होता है वैसे आप ले लीजिए। यहाँ पर मुझे गाइस दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है अभी उनके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके जस्ट नीचे ही जो है यहाँ पर जो है नाइट ऑफ वेंड्स का कार्ड है कि आपके पर्सन जो है उनकी तरफ काफ़ी पैशनेट फील कर रहे हैं, काफ़ी ऑब्सेसिंग हो रहे हैं, उनसे मिलने की तमन्ना उनके अंदर जाग रही है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि गाइस वो आपके पर्सन जो हैं उनके ऊपर लट्टू हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा चाहत बढ़ रही है। अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि दोनों तरफ ही बहुत ज़्यादा चाहत है, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और वो लोगों से पूछताछ भी कर रही है थर्ड पार्टी की, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर तो अभी फिलहाल जो है एंगेजमेंट मैरिज की कोई चांसेस मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि मेलजोल बढ़ता ही जा रहा है,
और वो डिस्कस कर रहे हैं, थर्ड पार्टी जो अदर पर्सन है, मेल फीमेल कोई भी हो सकती है, वो लोगों से डिस्कस कर रही है, अपने रिलेटिव से डिस्कस कर रही है, अपनी फैमिली से डिस्कस कर रही है कि मुझे इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना है, मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ या बहुत पसंद करती हूँ, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्योंकि इसको एक बार तो धोखा मिल चुका है, लेकिन जब से इन्होंने आपकी पर्सन को देखा है तब से इनको जीने की चाहत बढ़ी है। मुझे यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं कि तब से इस लेडी को जो है ये, मतलब इसने सोचना शुरू कर दिया कि मुझे ऐसा ही पार्टनर चाहिए था, मुझे शायद इससे खुशी मिल जाए, इसी वजह से वो आपके पर्सन की तरफ बढ़ना चाहती है। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन भी काफ़ी इंटरेस्टेड लग रहे हैं उसके अंदर, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। क्योंकि एक तो आपके पर्सन के पास में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, काफ़ी सुंदर भी हैं, हैंडसम हैं, देखिए अगर लेडी है तो ब्यूटीफुल है, बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी उनको जो है चाहते, क्योंकि आपको छोड़कर चले गए नो कांटेक्ट में, अब इनको कोई सहारा तो चाहिए ना, तो इसलिए ये भी चाहते कि मुझे ऐसा पार्टनर मिले, और वो तो दुखी है ही, तो इनकी दाल भी वहाँ अच्छे से गलने वाली है। क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन दुखों का मारा होता है वो उसकी रिस्पेक्ट भी करेगा अच्छे से, और आपके पर्सन तो खुद आपको छोड़ कर गए हैं तो उनको तो ये सब चीज़ें चाहिए, ठीक है, उधर से उस पर्सन को भी चाहिए। तो यहाँ पर म्यूचुअल फीलिंग्स मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है कि दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छा चाहते हैं, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि दिन प्रतिदिन इनकी चाहत बढ़ती जा रही है, कहाँ तक बढ़ेगी चलो हम देख लेते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ठीक है, क्या सोचने वाली है थर्ड पार्टी, आगे शादी करेगी या ऐसे चलता रहेगा। देखिए उनकी तरफ कम्युनिकेशन आ सकता है उनकी तरफ से, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की इंट्यूशन कुछ बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपके पर्सन उसको सुन नहीं रहे हैं। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, और मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि वो इन्जॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ भी अपना टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी जो अदर पर्सन है वो अपनी फैमिली से बात करने वाली है कि मुझे चाहिए तो यही पर्सन चाहिए, तो वो आपके पर्सन से एंगेजमेंट मैरिज करने की पूरी पूरी प्लानिंग में है। और ये थर्ड पार्टी जो अदर पर्सन है ये जो है कहाँ मिली होगी, तो ये मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उस लोग जो है वर्क करती है ना, तो उनको वर्क प्लेस पर मिली है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनकी कलीग्स लगती हैं, क्योंकि ये कार्ड भी बता रही है कि उनकी कलीग्स है और वो उनको बहुत ज़्यादा टाइम से पसंद भी कर रही है, ठीक है। और ये आपके पर्सन को जो है अप्रोच कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक पहली नज़र में ही उनको जो पसंद आ गई और आपके पर्सन को भी वो बहुत ज़्यादा पसंद आए, और इसकी वजह से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बात आगे बढ़ी है। और अभी मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि उनको दिखता है कि इसके पास काफ़ी स्टेबिलिटी है, तो ये मेरा लवर हो सकता है, अच्छा पार्टनर हो सकता है, ऐसा भी वो सोच रही है थर्ड पार्टी। और इसी वजह से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो उसी के साथ अपना संसार भी देख रही है कि मुझे इसी के साथ अपना संसार बनाना है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बातों बातों में उनकी बात आगे बढ़ रही है और वो सोशल मीडिया पर एक दूसरे से कनेक्ट भी होते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि गाइस की एक दूसरे से वो बात के बिना रह नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग और केयरिंग देख रहे हैं उस पर्सन को, आपके पर्सन भी, ठीक है। और उसको तो आपके पर्सन मन भावन लग ही रहे हैं, क्योंकि एक तो वो पहले डिवोर्सी है, दूसरा जो है या फिर उसका ब्रेकअप हुआ है, किसी भी तरह से है वो पेन में है, तो उसको जो है कुछ ना कुछ तो हीलिंग के लिए चाहिए ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को वो बहुत ज़्यादा लाइक करती है। और ये जो है गिफ्ट आपके पर्सन को वो देना चाहती हैं, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो आपके पर्सन के साथ में एंगेजमेंट मैरिज करने की सोच रही हैं, ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये जो मुलाकातें हैं ना ये एक दिन आगे बढ़ेंगी जरूर, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे आप ये पौधा देख सकते हैं, ये पौधे की जड़ें हैं, छोटी-छोटी हैं अभी तो, लेकिन धीरे धीरे जो ये पौधा ऊपर बढ़ रहा है तो ये जड़ें भी लंबी होंगी तो गहरी होंगी, ठीक है, तो कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा गहरा होगा। तो वो सोच रहे हैं कि हम जैसे सोशल मीडिया पर मिलती हैं, बात होती है हमारी, धीरे धीरे जो है हमारा रिलेशनशिप भी आगे बढ़ेगा और एक दिन मैं उसे शादी जरूर करूंगी या करूंगा, ऐसा सोच रही है थर्ड पार्टी जो अदर पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि उसको पूरी होप है कि एक दिन जरूर हम साथ में आएंगे, एक दिन जरूर हम हैप्पी फैमिली बनाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो चलिए गाइस देख लेते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चलिए गाइस देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन लेंगे, देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। चलिए वाओ, बहुत ज्यादा पॉजिटिव कार्ड है गाइस, देख लीजिए काफी टाइम से एनर्जी चेंज हो रही है ना।
बॉटम देखे 10 ऑफ वेंड्स, काफी टाइम तक तो आपके पर्सन जो है इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी में रहे हैं। किसी को ठीक से रिस्पॉन्स नहीं देना है, किसी के साथ ठीक से बिहेव नहीं करना है, ठीक है, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है कि वो वहाँ पर अपनी फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं या अदर पर्सन के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं, तो वहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि धीरे धीरे अभी उनकी हीलिंग भी चल रही है, वो काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं और स्पिरिचुअलिटी की तरफ जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे उनकी गट फीलिंग उनको कुछ बताना चाह रही है, क्योंकि वो मूव ऑन होकर के जब गए थे तो वहाँ पर इनको कौन इतने दिन तक जो है घास डालने वाला है, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए दलालाई करते हैं उसके बाद कौन करता है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जब से वो आपसे मौन होकर गए थे तब से वो उदासी हैं, उनको इन कप्स का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि मैंने क्यों मूव ऑन कर लिया। और जैसे जैसे वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं उनकी गट फीलिंग उनको कुछ बता रही है जो वो सुन रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो प्यार तो पहले भी आपसे बहुत करते थे लेकिन उन्होंने कभी आपको दिखाया नहीं कि मैं आपको चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। वो अपने चक्कर में रहे, अपने फैमिली के चक्कर में या अदर पर्सन के चक्कर में, क्योंकि कुछ लोगों की पार्टनर की यहाँ पर बहुत ही फ्लर्टी एनर्जी दिखाई दे रही है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो इन चीज़ों में जगल करते रहे, भाई मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे इसमें भी हाथ डालना है, मुझे उसमें भी हाथ डालना है, दो नाव में पाव रखना, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि इसमें भी पाव रखकर चलो, इसमें भी पाव रखकर चलो। अब आगे जाकर क्या होगा वो तो अंजाम वो खुद ही जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर रीबर्थ करने की सोच रहे हैं, डेथ के बाद में रीबर्थ यानी कि एक नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं कि पास्ट में जो कुछ हुआ उसको मैं भूल करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर मुझे गाइस ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अभी कहीं ना कहीं उनका हार्ट चक्र जो है ओपन होने लगा है, कहीं ना कहीं उनको लव फील होने लगा है। इससे पहले उन्होंने हार्ट चक्र को क्लोज कर रखा था लेकिन जैसे जैसे उनका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है तो उनको जो है लव की वाइब्स आ रही हैं। मतलब आप मेरे व्यूवर्स मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, इनर वर्क कर रहे होंगे, रोज़ भगवान से प्रे करते हैं कि भगवान मेरे पार्टनर वापस आ जाए, हमारा रिकन्सिलेशन हो जाए। तो ये जो वाइब्रेशंस आप जो एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं ना, वो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं टच करती हैं और उनको जो है एहसास होता है और इसकी वजह से जो है उनका हार्ट चक्र जो है ओपन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है और वैसे भी शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने अगर आपसे एंगेजमेंट मैरिज नहीं की थी और आपको छोड़कर चले गए थे वादा करके और फिर मुकर गए थे, तो अभी वो आपसे एंगेजमेंट मैरिज करने की भी सोच रहे हैं कुछ लोगों के पार्टनर, कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में मज़े ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर जो है हो सकता है कि थर्ड पार्टी को थोड़ा टाइम के लिए बर्दाश्त करे, उसके बाद में आपसे वो एंगेजमेंट मैरिज करे, क्योंकि यहाँ पर ये शादी का कार्ड है। और जिनके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड थे और वो अपने पार्टनर को छोड़कर गए थे थर्ड पार्टी में, तो वो उनको कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है गाइस कि हो सकता है कि वो आपसे बातचीत कर ले, वो आपसे क्लियरिटी भी मांगे कि मैं अभी आपके साथ आना चाहता हूँ, क्या आप मेरे साथ आगे चलना चाहते हैं कि नहीं चलना चाहते हैं। या वो ऐसा भी कह सकते हैं कि आप पास्ट को लेट गो कर दें, बीती बातों को भुला दें आप और आगे बढ़ें, ठीक है। तो वो ऐसा भी आपसे बात कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन की यहाँ पर मुझे बहुत चांसेस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपके पर्सन काफ़ी टाइम से जगल करते करते परेशान हो चुके हैं। देखो इस बेचारे की हालत कितनी दुबली पतली हो गई है। हालांकि ऐसे दुबले पतले शायद आपके पार्टनर नहीं भी हों, लेकिन मुझे यहाँ पर कार्ड जो बता रहे हैं गाइस मैं वो बता रही हूँ। देखो माफ़ी चाहती हूँ हंसने के लिए। देखो यहाँ पर मुझे जो कार्ड बता रहे हैं मैं वही बता रही हूँ कि आपके पर्सन की ऐसी खस्ता हालत हो चुकी है, ठीक है, इस थर्ड पार्टी में जा करके। अब वो वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। अभी कहीं ना कहीं बहुत सारे ग्रहों की प्लेसमेंट चेंज हुई है तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सबकी लाइफ में उथल पुथल मच रही है। कोई रिकन्सिलेशन करना चाहता है, कोई मैरिज करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर एस ऑफ कप्स, देखिए दो दो एस हो गए, एस ऑफ सोर्स और एस ऑफ कप्स, ये लव का ऑफर आपको देना चाहते हैं। ये वो आपसे बात करके ये लव का ऑफर आपको देना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वाओ, वो आपको प्रपोज भी कर सकते हैं, ठीक है, आपकी तरफ लव का ऑफर लेकर आएंगे, वो आपको प्रपोज भी कर सकते हैं, वो आपसे जो है कमिटमेंट भी दे सकते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वो आपको पाना चाहते हैं और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो ट्रैवल करके आपके पास जरूर आएंगे, ठीक है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, नो कॉन्टेक्ट में हैं, तो जो है वो आपके पास जरूर आएंगे चल करके, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशन आ सकता है, अगर ब्लॉक कर रखा है तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनकी तरफ से कम्युनिकेशन आ सकता है, ठीक है।
वाओ, कुछ लोग यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहे गाइस कि डिवाइन काउंटर पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि आप लोग जो है ट्विन फ्लेम जर्नी पर भी दिखाई दे रहे हैं कि कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, तो अटैचमेंट अट्रैक्शन तो वैसे ही बहुत ज़्यादा है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन अटैचमेंट मुझे दिखाई दे रहा है, और ये कश्ती जो है अपनी लाइफ की कश्ती जो है आगे ले जाना चाहते हैं आपके साथ में ही, आपके पर्सन, ठीक है, ऐसा सोच रहे हैं। और जिनके पर्सन जो है थर्ड पार्टी के साथ एंगेजमेंट मैरिज करने की सोच रहे हैं, जो आपसे हो सकता है कि ब्रेकअप करके गए हों, हो सकता है कि आप मैरिड हों और वो आपको से मूव ऑन करके चले गए, झगड़ा करके चले गए, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो फिर जो है उसमें ही रहेंगे थर्ड पार्टी में, ऐसा मुझे यहाँ पर ये कार्ड बता रहे हैं। ठीक है, तो वो आपसे मूव ऑन करेंगे, और भी अगर आप भी गए तो फिर भी मूव ऑन करके ही जाएंगे, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक, कुछ लोगों के पार्टनर उनसे मैरिज करने की सोच रहे हैं, वो तो आपको पता चल जाएगा कि किसके पार्टनर हैं वो, ठीक है, जो शादी करना चाहते हैं, और फिर वो मुश्किल ही रुकने वाले हैं, क्योंकि दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स मैंने देखी थी वहाँ पर कार्ड में कि दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, और जिनके पार्टनर आ रहे हैं वो देखिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो हो सकते हैं, जो एक दूसरे के साथ में रिकंसिलिएशन करना चाहेंगे, ये आप देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर जो पार्टनर आ रहे हैं ना आपके, देखिए कुछ है कि पार्टनर की, वो तो आपको एनर्जी पता चल जाएगी, आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी है, कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर बताया कि जो अदर पर्सन के साथ फंसे हुए हैं उन पार्टनर के चांसेस कम लग रहे हैं मुझे यहाँ पर, और जो फैमिली में फंसे हुए हैं उनके पार्टनर यहाँ पर आने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग, आई होप गाइज रीडिंग आपको रेजोनेट हुई, रेजोनेट तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।